हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत का जो मध्य युग था उसके अंदर गढ़वाल पर कौन से वंश का शासन था? तो पवार वंश का शासन था दोस्तों, किस पर? गढ़वाल वंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से हैं? तो जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसके अंदर पंजाब और हरियाणा जो दो राज्य है वो सबसे अधिक उत्पादकता देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रणजीत सिंह अपने आप को किसका सेवक मानते थे? तो खालसा का सेवक मानते दोस्तों, रणजीत सिंह अपने आप को खालसा का सेवक मानते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योग्यता की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन ने किया था दोस्तों, योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग जो प्रणाली होती है विशेष रूप से किस में प्रयोग लाई जाती है? तो वेब जो सर्वर होता है उसके अंदर प्रयोग लाई जाती है दोस्तों, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होगा यदि पंचायत भंग होती है तो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोरानी गेहूँ सबसे अधिक उपयुक्त किस परिस्थितियों में होता है? तो असिंचित परिस्थितियों के अंदर सबसे उपयुक्त गेहूँ होता है वो होता है मेकोरानी गेहूँ, बिकॉज इसके अंदर दोस्तों पानी की जो लागत है वो काफ़ी कम होती है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसे श्रेष्ठ गेहूँ कहा जा सकता है दोस्तों असिंचित परिस्थितियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूली किसका किस जड़ का उदाहरण है? तो मूसला जड़ का उदाहरण है दोस्तों, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सरहुल जो नृत्य है वो मूरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।